हर व्यक्ति शत्रु से परेशान रहते हैं और दर्शकों जो शत्रु होता है ये व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति नहीं देख पाते, व्यक्ति को निरंतर परेशानी में डालते हैं। अगर आप भी किसी शत्रु से परेशान हैं, वह शत्रु आपको अनावश्यक परेशान करते हैं, आपके पीछे लगे हुए हैं, आपके धन के पीछे लगे हुए हैं, आपको बिल्कुल ही बर्बाद कर चुके हैं, आप बर्बादी के कगार पर आ गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहे करें तो क्या, आपने अनेक तांत्रिकों के पास में गए हैं, अनेक प्रकार के उपाय अपनाए हैं लेकिन आपको फायदा नहीं मिले हैं तो सही वीडियो में आए हैं। आज मैं आप लोगों को दुश्मनों के चिथड़े उड़ाने वाला एक सरल दिव्य प्रयोग बताऊंगा जिसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। और मैं जो प्रयोग बताऊंगा इसमें न मंत्र की जरूरत है, न किसी भी प्रकार की आपको पूजा पाठ विधान करने की जरूरत है। जो प्रयोग बताऊंगा यह प्रयोग बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसान है, कोई भी जन साधारण व्यक्ति कर सकते हैं। हमारे चैनल का मकसद है हम सरल से सरल व आसान उपाय बताते हैं जिस उपाय से व्यक्ति अपनी भला कर सकते हैं, अपने आत्म कल्याण कर सकते हैं। चैनल का भी नाम है प्राचीन ज्ञान, हम प्राचीन ज्ञान की सरल एवं सुगम जानकारी बताते हैं जो कि साधारण हो जन समुदाय के लोग कर पाए। और इसमें हम किसी प्रकार की विधि विधान लंबे चौड़े विधान नहीं बताते। तो अगर आप भी दुश्मन से परेशान हैं, दुश्मन आपको निरंतर परेशान कर रहे हैं, आपके पैसे बर्बाद हो चुके हैं, वो दुश्मन आपके जीना हराम कर चुके हैं, आपको रोगग्रस्त करते हैं, आपके ऊपर तंत्र बाधा करते हैं, मंत्र बाधा करते हैं, सारे समस्या से आप घिर चुके हैं, तो केवल यह उपाय एक बार अवश्य कर लेना। उपाय कुछ इस प्रकार से है। उपाय बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर जी के नाम जरूर लिखना, मैं जो उपाय बताऊंगी भगवान शंकर की कृपा के कारण ही पूर्ण होगा। उपाय आपको इस प्रकार से करना है। आपको अपने दुश्मन के घर में मैं जो चीज बताऊंगा इस चीज को फेंकना है तो दुश्मन के चिथड़े उड़ जाएंगे, बिल्कुल ही उसी टाइम से उसके बुरा वक्त शुरू हो जाएंगे, उनका सर्वनाश होना शुरू हो जाएंगे और आपके ऊपर अगर तंत्र बाधा मंत्र बाधा की हुआ दूर हो जाएंगे। तो आपको करना क्या, ध्यान से उपाय सुन लीजिए। तो दुश्मन आपको निरंतर नुकसान करे तो आपको लेने हैं 7 उड़द, एकदम साफ एवं स्वच्छ आपको लेना है 7 उड़द। इसके बाद आपको लेना है 7 कौवा की पंख। 7 कौवा की पंख कहाँ मिलेंगे, तो जो आपके नजदीक में पूजा पाठ की दुकान है वहां पे कौवा का पंख मिल जाते हैं। कौवा का पंख ना होने पर आप जो उल्लू के पंख ले सकते हैं, लेकिन जो कौवा का पंख है ज्यादा असरकारी होता है। पूजा पाठ की दुकान में जाइए, कौवा का पंख मिल जाते हैं। तो 7 उड़द के दाने, 7 कौवा के पंख और आपको एक लेना है छोटा सा काला वस्त्र, आपको लेना है एक छोटा सा काला कपड़ा। अब जो कौवा की पंख है इसे जला करके आपको राख बना लेना है। 7 उड़द के दाने को काले कपड़े में आपको डालना है, कौवा की जो जलाए गए पंख की राख है उसे भी काले कपड़े में आपको डालना है और इसे डाल करके आपको अच्छी तरह से एक गांठ तैयार कर लेनी है, गांठ में बांध देनी, छोटा सा पुटली जैसा आपको बना लेना, गांठ बांध देना। इसके बाद इसे अपने शरीर से 7 बार उतारना है और आपको अपने शत्रु का नाम लेना है, जो शत्रु आपको परेशान करते हैं उनका नाम लेना है और उन्हीं के घर में या उन्हीं की जो एरिया है, जो उनके घर है, जो उनके एरिया है, वहां पे आपको इसे फेंक देना है। बिल्कुल मित्रों, उस शत्रु के सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगी। यह उपाय बहुत ही प्रभावी है और बिल्कुल ही सिद्ध शक्तिशाली महा उपाय है, इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। तो शत्रु से परेशान है तो यह उपाय अवश्य करना, किसी को निजी स्वार्थ के लिए नुकसान करने के लिए यह प्रयोग नहीं करना है। बिल्कुल ही दुश्मन के आपके चिथड़े उड़ जाएंगे, उसी टाइम से बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे, दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें जो है आबाद होने से नहीं बचा पाएंगे, बर्बाद होने से नहीं बचा पाएंगे। तो शत्रु नाशक यह है चमत्कारिक टोटके, इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।